أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफिरहू व दखलना। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। اللهم علمني الكتاب والحساب، اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت، اللهم خذ بيدي। सबसे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कल हमने क्या किया था। तो बेटा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात शुरू की थी आइसोटोप्स, याद आया? याद आया नहीं यार? आइसोटोप्स केमिकली अलाइक क्यों होते हैं और फिजिकली डिफरेंट क्यों होते हैं? मैंने इसके जवाब दिए। आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम क्यों होते हैं और मास नंबर डिफरेंट क्यों होते हैं? इसके जवाब दिए। फिर बेटा, हम लोगों ने आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को समराइज किया था इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और बुक से भी देखा था। सिमिलरली फिर हमने उनकी शक्लें देखी, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, प्रॉपर्टीज देखी। फिर हमने हैवी वाटर और लाइट वाटर को डिफाइन किया और उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम लोगों ने हमसे इन्होंने पूछा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, जो मेल्टिंग होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कार्बन के आइसोटोप्स 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उनकी प्रॉपर्टीज देखी, प्रोटॉन की तादाद देखी, न्यूट्रॉन की देखी, इलेक्ट्रॉन की देखी, एटॉमिक नंबर देखा, मास नंबर देखा, बंड नंबर देखी और सिंबल देखा। मोटी मोटी बातें, ठीक है जी। फिर एक्टिविटी में उन्होंने कहा था कि इनका स्ट्रक्चर आपको चारों का स्ट्रक्चर बना, तीनों का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये कार्बन 12 का, ये 13 का, ये 14 का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप सबको शक्ल में ना। अब उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने। अब बचे क्लोरीन के आइसोटोप 2 हैं, समझ आ रहा नहीं? पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर सिंबल, फिर उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, उसके बढ़ने, समझ आ गया? फिर उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी और फिर उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, देख लो। ऐसा ही है ना, एक ही किस्म की एडिंग चल रही है। फिर जनाब आइसोटोप सब यूरेनियम, वही बात आएगी। यूरेनियम मैप थी 3 आइसोटोप, यूरेनियम 234, 235, 238, 3 आइसोटोप रिस्पेक्टिवली। उनके सिंबल्स क्या हैं? ये अब मुझे गौर से सुनना, जो यूरेनियम 235 है, ये नीचे लिखा होता है, ये क्या होता है? ये सिंपल है यूरेनियम का। जो नंबर नीचे लिखा होता है ये क्या होता है? क्या होता है? तो इसका मतलब यूरेनियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 92। और जो यहाँ पे लिखा हुआ 235 एटॉमिक मास नंबर, ये आपको बंदा कहे मुझे इसका न्यूट्रॉन नंबर बता, तो इसमें से प्रोटॉन माइनस कर दे, 235 से 92 माइनस कर दे, तो ये इसका न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएगा। तो बेटा, पहले का एटॉमिक नंबर भी 92, दूसरे का भी 92, तीसरे का भी 92, मासेस में फर्क आ रहा है। और ये किसकी वजह से आ रहा है? न्यूट्रॉन्स की वजह से। अब ये 235 है, कौन? यू 235। ये इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। यार ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बेटे किसी भी एटम का न्यूक्लियस टूटता है ना, तो उसके नतीजे में 2 नए न्यूक्लियस बनते हैं और साथ 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और साथ बहुत ज्यादा हीट या एनर्जी खारिज होती है। ये से कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं? बिजली में। बिजली की जो एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, ये होती है हीट एनर्जी, और इसे किसमें बदल देते हैं? बिजली की एनर्जी में। ये डिवाइस क्या करती है? इस न्यूक्लियर एनर्जी को, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। समझ आया? यस। ये डेफिनेशन है, क्लियर हुआ? जी जी। एंड इन द एटॉमिक बम, एटम बम के नाम से बड़े लोग डरते हैं, तो ये जो 235 है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के काम भी आता है और इसे एटम बम में भी यूज करते हैं।
अब देखो जो एटम बम्ब है उसका बारूद और न्यूक्लियर रिएक्टर का बारूद दोनों क्या है? अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप उससे बिजली बनाते हैं या बंदे मार कितने मजे की चीज। आप उसे बंदे मारना चाहे बंदे मार ले, बम में डालेंगे। नहीं समझ आया यार, बम भी इससे बनता है, U-235 और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यही इस्तेमाल होती है। अभी बात समझ नहीं है तो वेयर एज ये समझ आ गया कि यूजेज बता दिए इसके U-235 के। क्लियर हो गए? बेटा ये आप एक्सपेरिमेंट्स यूरेनियम में विदाउट द परमिशन ऑफ योर डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, इलीगल। ये सारे काम आपकी एटॉमिक एनर्जी में होते हैं, कोटा रिसर्च लैबोरेटरी। अब वहां आप माशाल्लाह पढ़ें, अच्छे नंबर लें, अच्छी पढ़ाई करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो आप माशाल्लाह उस लैब में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। चले आगे। वेयर एज ये यूरेनियम-238 आइसोटोप लैक्स द प्रॉपर्टीज, इसमें वो इसमें कमी है किसकी प्रॉपर्टीज खसूसियात की, नेसेसरी जो जरूरी होती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है सर जी मैं ना 10वीं क्लास पास कर सकता हूं, तो वैसे ये जवाब दूंगा माय सन यू लेक, समझा? यू लेक द प्रॉपर्टीज दैट इज नेसेसरी टू पास द मैट्रिक। क्या बेटा तुझे फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, मैथमेटिक्स प्रॉपर्टीज में कमी है ना, अब तुम्हें फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथमेटिक्स भी आता है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बताला इस्लाम में सब आते हैं, तो यू हैव द प्रॉपर्टीज नेसेसरी टू पास द मैट्रिक। यूरेनियम 238 लैक्स द प्रॉपर्टीज, इसमें कमी है, इसमें कमी है, ये माजूर है किससे? द प्रॉपर्टीज खुसूसियात से, नेसेसरी जो जरूरी होती है फॉर दीज एप्लीकेशन इन इस्तेमालों के लिए। बात नहीं समझे? लिहाजा यूरेनियम 238 इस्तेमाल नहीं हो सकता किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक बम, दो मोटी मोटी बातें हैं। U-235 इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बम, बस इतनी सी बात है। बट U-238 कैन नॉट बी यूज इन द एटॉमिक बम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर because it lacks the properties necessary for these applications. ऐसे जो इस्तेमाल थे, ठीक है, वो जो एप्लीकेशन है, जो इस्तेमाल है, उनके ये काबिल नहीं। Uranium-235 is rare. इसका मतलब ये है कि ये ना होने के बराबर है, ये कम याब है, इसकी मिकदार इंतहाई कम है, समझे? नेचुरल अबंडेंस, कोई बात आ गई, यूजेस बता दिए, नेचुरल अबंडेंस आ गई। अब यूरेनियम आइसोटोप्स इज एज फॉलोस, 234 0.06%, 235 0.72% और 238 जिसमें प्रॉपर्टीज ही नहीं, वो 99.72%। क्लियर हुआ जी? हाँ, 27 फिल इन द ब्लैंक्स। अब बेटा क्या करवाएंगे आपसे, कहेंगे यूरेनियम 238 हैव 92 बारला टेबल, 92 प्रोटॉन्स, 92 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? सिंपल किधर है ये देखें, 234 में से 92 माइनस कर लें 142, 235 से 92 माइनस कर लें 143, 238 से 92 में 146। तो बेटा समझ आ गया, ये ब्लैंक्स आपसे पेपर में फिल कराई जा सकते, टेबल में सारा कुछ मेंशन है। नहीं समझ आया तुम्हें? जनाबे आली करे थे तुम। आज का आपका लक्ष्य गौर से सुनिएगा, द यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटॉमिक बम, वेयर आर U-238 आइसोटोप लैक्स द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशंस। ये मैंने बता दिया आपको पीछे, ये यूजेस हैं इनमें। अब बड़े जरा गौर से सुनना,
व्हेन यूरेनियम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन याद है? हाँ भाई हामिद याद है? नहीं याद? तो मैंने आपको अभी तक कितने रिएक्शंस की डेफिनेशन बताई हैं? चलो जी तीसरा भी आ गया, तीसरा कौन सा था? इसमें ना तो शेल्स हिस्सा लेते हैं और ना नीदर द शेल नॉर द ना द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का क्या मतलब है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी इसमें हिस्सा नहीं लेते, ना इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें कौन लेते हैं? आउटर मतलब इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। और इसमें कौन हिस्सा लेगा? न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन। इसके बारे में भी आप डेफिनेशन याद कर चुके हो, जैसे इसकी एग्जांपल्स क्या है? पानी का बॉयल करना याद आया, फ्रीजिंग मेल्टिंग चीज वही रहती है ना। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बर्निंग जलना प्लस कुकिंग, ये सारे क्या केमिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या बेटा? इसकी दो किस्में हैं। इसमें क्या होता है? दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियाई, याद है न्यूक्लियाई प्लूरल न्यूक्लियस का तो भूल गए हो, इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। ये वो रिएक्शन है जिसमें एटमों के न्यूक्लियस हिस्सा लेते हैं। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, एक बार समझे हो? ये देख, that type of reaction in which nuclei are metals take part is called nuclear reaction. अब इसकी दो किस्में, एक होता fission एक होता fusion। इसे कहते हैं nuclear inshikhaf, inshikhaf का मतलब टूट जाना, और fusion का मतलब है nuclei intibaq, मुंतबिक होके एक हो जाना, जुड़ के एक हो जाना। वो सुन रहे हो? तो बेटा nuclear fission की definition हो जाती है that type of nuclear reaction in which a big nucleus, एक बड़ा न्यूक्लियस breaks down, टूट जाए into two or more smaller nuclei by the emission of huge amount of energy। ये लिखा ना, बड़ा न्यूक्लियस क्या करेगा? टूट जाएगा। बड़ा न्यूक्लियस क्या करेगा? दो छोटे न्यूक्लियस में साथ इसके खारिज होगी एनर्जी के इखराज के साथ। तो by emission of huge amount of energy is called fission reaction. समझ आ गया? Fusion क्या? That type of nuclear reaction in which इसमें बड़ा टूट के छोटे बनाएगा, इसमें छोटे आपस में मिल गए क्या बना देंगे? बड़ा nucleus बना देंगे। तो that type of nuclear reaction which two or more smaller nuclei, small nuclei combine to form a big nucleus with the emission of huge amount of energy. इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। सूरज में ये रिएक्शन हो रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम आपस में टकराते हैं, हीलियम बनता है और उसके बाद क्या निकल दिया? एनर्जी। समझ आया? इसे कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियस टूट के छोटे भी बना सकता है, जुड़ के बड़े भी बना सकता है। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये थे न्यूक्लियर रिएक्शन। अब बेटा बात गौर से सुनना, इधर आ जाओ। मैंने आपको अल्फा पार्टिकल्स याद है बताया था, बीटा बताया था, गामा बताया। बेटा जब भी किसी भी एटम, मैंने ये डाला, ये कोई एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या है? ए। एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर क्या है? ए। बेटा जब भी इससे अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस खारिज होगा ना, तो इसके मास नंबर में कितने की कमी आएगी? अल्फा पार्टिकल अपने साथ दो प्रोटॉन ले जाएगा, दो न्यूट्रॉन, टोटल चार पार्टिकल ले जाएगा। तो एटॉमिक मास नंबर में चार की कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में दो की कमी आएगी।
जैसा कि यूरेनियम 235 है, सुन रहे हो, यही वहां पे लिखा हुआ है कि जब यूरेनियम 235 से एक अल्फा पार्टिकल खारिज होता है तो इसके मास से कितने टोटल पार्टिकल कम होते हैं, चार। 235 से 4 माइनस करो आंसर कितना आ गया, ऐसे ही है। और मास नंबर 90 से 2 माइनस करो आंसर कितना आ गया, बाकी दोनों यहाँ पर इनको ऐड करो, दोनों के मैसेज को ऐड करो 235 आता नहीं आता, दोनों का एटॉमिक नंबर को ऐड करो 92 आता नहीं आता। ये बेटा अल्फा पार्टिकल की इमिशन की इक्वेशन, मसला किसी को अगर बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, क्लियर हो गया, यही बेटा आपकी बुक पे, ठीक है, बैठ जाओ। डिके करने का मतलब ये है कि ये देखो लिखा हुआ यूरेनियम 238, सुन रहे हो, डिके करता है इनटू थोरियम, डिके करने का मतलब ये कन्वर्ट होता है, ये बदलता है, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई, तो याद रखिएगा व्हेन यूरेनियम 238 डिकेज इनटू थोरियम 234 बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल, समझ आया नहीं यार, और न्यूक्लियर रिएक्शन ये है, आ रहा नहीं आ रहा, तो एन अल्फा इट इमिट्स अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या डबली पॉजिटिव ले जाए हीलियम न्यूक्लियस, याद आ गया, तो बेटा आपने कहना इट इमिट अल्फा पार्टिकल, याद रखोगे नहीं रखोगे, और उसके बाद बेटा आपने सिर्फ एक ये इक्वेशन दे देंगे बस, यूरेनियम 238 92 चार की कमी आई है ना, अल्फा क्या तो चार की मास में कमी आएगी, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, समझ आ गया भाई, ये लिखना है यूरेनियम 238 को, बंदा आपसे पेपर में तो सवाल क्या करेगा, सवाल ये करेगा राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ यूरेनियम 238 इनटू थोरियम, क्वेश्चन नहीं समझ आया, समझ आया नहीं यार, कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ यूरेनियम 238 इनटू थोरियम, तो आपने फिर ये लिखना नहीं जी, क्वेश्चन ये है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डिके ऑफ यू 238 इंटू थोरियम, थोरियम की स्पेलिंग यही है THORIM, थोरियम 234 के क्योंकि चार निकल जाएंगे ना पार्टिकल, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपने आंसर क्या देना है, यहां से U238 decays into thorium 230 by emitting, यहां मैंने लिखा हुआ पीछे as follows, नीचे क्या आएगा, यूरेनियम 92 238, थोरियम आ जाएगा इसका, अब देखो अल्फा पार्टिकल भी ज्यादा आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, अब इसे 4 माइनस करो तो 234 आ गया, इसे 2 माइनस करो तो, बस बेटा बात पूरी हो, तो क्यों नहीं आएगा, आ सकता है जब बुक पे है तो क्यों नहीं आ सकता, ये बेटा ही मीनिंग पहले एज वॉलोस। अच्छा पुत्र लास्ट द फिशन, आप समझो, अब जब फिशन की बात, ये द प्रोसेस इन विच ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट या एटम, अच्छा भैया ये ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं, इसकी ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच
ये वो अमल है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखें यूरेनियम ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल खारिज किया, किसमें चेंज हो गया, थोरियम। तो यूरेनियम यूरेनियम तो नहीं रहा ना, इसे कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन, बदल जाना। द प्रोसेस इन विच, वो अमल जिसमें, सुन रहे हो, तो वो अमल जिसमें आपका एक रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब वो एलिमेंट जो रेडिएशन खारिज करे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर एलिमेंट, समझ आ गया, आफ्टर इमिटिंग, आफ्टर रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। डेफिनेशन समझ आ गई, उसकी एग्जांपल को बंदा पूछे तो कहना एज फॉलोज, ठीक है, समझे, विच इज गिवन एज बिलो, विच इज गिवन बिलो, यूरेनियम लिखे, इसके नीचे ये डाल, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में ये डाल दीजिएगा इसकी ट्रांसम्यूटेशन की। अब फिशन सुने, फिशन का मतलब पता, बड़ा निकले छोटे में टूटेगा, तो द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब होता है पैदा करना, ये जन्म देता है स्मॉलर न्यूक्लियाई, किसको, छोटे न्यूक्लियाई को, सात न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं, सात एनर्जी भी निकलते हैं, मैंने बनाया था ये U235 है 92, ये टूटेगा क्रिप्टॉन और बैरियम बनाएगा और इसके साथ तीन न्यूट्रॉन बनेंगे, ये न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 0, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बस आप बड़ा एनर्जी भी निकल, समझ आया, यही लिखा हुआ। द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 यूज स्मॉलर न्यूक्लियाई, पहली चीज, दूसरी चीज न्यूट्रॉन, तीसरी चीज एनर्जी, समझ आया, फिशन रिएक्शन में कितनी चीजें पैदा हो रही है, तीन। द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 यूज गिव्स प्रोड्यूसेस, कुछ भी कहना, नंबर 1 स्मॉलर न्यूक्लियाई जिसमें क्रिप्टॉन और बैरियम, नंबर 2 न्यूट्रॉन्स, नंबर 3 एनर्जी। आप बेटा गौर से सुनना, जो एनर्जी निकलती है, क्या निकलती है, हाँ, ये जो एनर्जी है, द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235। आपको पता 1 किलोग्राम यूरेनियम कितना होता है, आप पता है? अच्छा देखो, लोहे का 1 किलो का बटा कितने कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा बेटा, इसके 4 हिस्से करो तो ये तकरीबन 1 बंटा निकलेगा ऐसे यहाँ से, ये जो बंटा होगा ना एक, इसका मास 1 kg होगा, अगर यूरेनियम का इतना सा वॉल्यूम दे दिया जाए तो उसका मास कितना होगा, अगर उसको हम तोड़ दें, जी बेटा ठीक है, अगर उसमें फिशन अगर हो जाए, क्या हो जाए, तो बेटा जी जो एनर्जी आपको मिलती है, गौर से सुनना, द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय द फिशन टूटने से ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 is equivalent, वो मुतरादिफ होती है, बराबर होती है, तो द केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, प्रोड्यूस बाय द बर्निंग, आप समझ आए, और बर्निंग का क्या मतलब होता है, नहीं केमिकली क्या मतलब है बर्निंग का, जब भी आप आंदा से आपकी जिंदगी में बर्निंग का लफ्ज इस्तेमाल हो ना, तो इसका मतलब ये है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाँ जी, नहीं समझा, तो जो आपका कोयला जलता है ना, कोयला वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, उसे हीट पैदा होती है, तो जो कोयले के जलने से आपको हीट मिलती है उसको कहते हैं केमिकल एनर्जी। 1 किलोग्राम यूरेनियम के एटमों की फिशन से, 235 की फिशन से जो न्यूक्लियर एनर्जी आपको मिलती है, दैट इज इक्विवेलेंट, वो मसावी होती है, वो मुतरादिफ होती है, वो बराबर होती है, तो द केमिकल एनर्जी इसके प्रोड्यूस जो पैदा होगी बाय बर्निंग मोर देन 17,000 kg ऑफ कोल, सोचो 17,000 किलोग्राम कोयला आपने ऐसे जलाया, उसे कितनी हीट निकली, और यूरेनियम का सिर्फ 1 किलोग्राम जो है अगर उसकी फिशन हो जाए उससे उतनी देर कितनी एनर्जी निकलती होगी, फिर सुन लो, द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ U235 इज इक्विवेलेंट द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ मोर देन
17,000 के जी क्लियर है, याद रखोगे, समझ आया। अब ये बेटा इक्वेशन थी फिशन ऑफ यूरेनियम 235, बात समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर हो गया। ये बेटा मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब दिखा दिए हैं। बंदा आपसे पूछ ले व्हाट डू यू नो अबाउट द फिशन ऑफ, एक नया क्वेश्चन भी उठ सकता आपने, अबाउट टू थर्टी फाइव, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या दोगे, ये वाला यहाँ द फिशन ऑफ यूरेनियम 235 यूज स्मॉलर न्यूक्लियर न्यूट्रॉन एंड एनर्जी, ठीक है ये यहाँ डालना है आपने, गौर से सुने, यहाँ पे जहाँ मैंने स्टार्स डाले ना स्टार्स, वो स्टार्स वाला यहाँ देखना क्या हो गया मुझे, ये कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बेटा कहना सच एज फॉलोज, यहाँ पे यूरेनियम फिर इक्वेशन देनी है ना, निकल 235 92 जाएगा क्रिप्टॉन प्लस बैरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन, सुन रहे हो, प्लस एनर्जी, समझ आ गया। फिर इसके नीचे आपने एक नोट लिखना है, ये दाज है ये वाला नोट, ये स्टार जांच डाल, the nuclear energy released by the fission of 1 kg of uranium 235 is equivalent to the chemical energy produced by the burning of more than 7 kg. अब इसके बाद स्टार के दरमियान मैंने डाल दिया, स्टार यहां से शुरू हो गए, समझ गए हो, खत्म कर देना, ये इसका जवाब है, क्लियर हो गया, समझा मैंने दिया आपको। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।